हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं विजीश, डिजाइन इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज जो मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं वो है सिविल इंजीनियर्स वर्सेस आर्किटेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स को आर्किटेक्ट के मेन इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। उसी प्रकार से आर्किटेक्ट, जो फ्रेशर आर्किटेक्ट होते हैं, उनको भी सिविल इंजीनियर्स के क्या इंपॉर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इनके बारे में पता नहीं होता। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स दोनों के लिए। आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूं वो है व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। सेकेंड टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन सिविल इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट, और लास्ट होगा व्हाई सिविल इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स इज नीडेड। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और नॉलेज का एक पिटारा आप सभी के लिए ओपन करने जा रहा हूं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। सिविल गुरुजी ने एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जिसमें सारे वो यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग के यूनिवर्सिटी जो सिविल इंजीनियर्स के लिए है, वो सारे यूनिवर्सिटीज के सिलेबस जो होते हैं, जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में यूज किया जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर, वहां पे बेसिक फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री के अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, ग्राफिक्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। वहां से लेके पूरे लास्ट सेमेस्टर तक जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपको कवर होंगे इस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल में। तो बिना देर किए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको क्लिक करना है और डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे इस चैनल में। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एक नए कॉन्क्रीट स्टेटमेंट से, डिजाइन योर बिल्डिंग सच दैट विच क्रिएट्स योर लेगेसी। अपनी बिल्डिंग का निर्माण कुछ इस तरह करें कि आपकी विरासत का निर्माण खुद ब खुद हो जाए। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर। तो बात करने वाले आज सिविल इंजीनियर्स वर्सेस आर्किटेक्ट। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग डील्स विद द डिजाइन, constructions एंड मेंटेनेंस ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल बिल्ड एनवायरमेंट। सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा डिसिप्लिन है जो डील करता है पूरा डिजाइन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड। उसको कंस्ट्रक्ट करना और उसको मेंटेन करना, ये सारा डिसिप्लिन होता है एक सिविल इंजीनियर का। अब बात करते हैं व्हाट इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर डील्स विद आर्ट एंड साइंस ऑफ डिजाइनिंग बिल्डिंग्स एंड अदर सम नॉन बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। जो आर्किटेक्चर डिसिप्लिन है वो डील करता है पूरा आर्ट एंड साइंस ऑफ डिजाइनिंग से। पूरा फुल्ली फोकस होता है वो डिजाइनिंग से ऑफ बिल्डिंग्स और नॉन बिल्डिंग्स। जो भी बिल्डिंग्स है, जैसे कि बंगलो, विलास, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ये सारी बिल्डिंग से डील करता है, उसके डिजाइन से डील करता है। और कुछ ऐसी नॉन बिल्डिंग्स है उससे भी डील करना, उनके बारे में सोचना, इमेजिन करना, पूरा डिजाइन, पूरा काम होता है एक आर्किटेक्चरल डिसिप्लिन में। आगे बढ़ते अपने अगले टॉपिक की ओर। तो अब जो मैं बताने वाला हूं वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट। बेसिकली मेरा जो मेन मोटो है आपको समझाने का कि सिविल इंजीनियर का जो मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो डीलिंग है वो क्या है, उसके बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं। जैसे कि डिजाइनिंग, सिविल इंजीनियर का भी काम होता है बेसिकली डिजाइनिंग। अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन मतलब होता है एक इनोवेशन, एक नई चीज अडॉप्ट करना। नई चीज किसमें? बिल्डिंग के पार्ट में, स्ट्रक्चर्स के पार्ट में कुछ नया फ्रेम तैयार करना, दैट इज कॉल्ड डिजाइनिंग। तो हमारा भी काम होता है डिजाइन का। फिर है कंस्ट्रक्टिंग, जो डिजाइन बन चुकी है उसको बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, उसका निर्माण करना। आगे है मेंटेनिंग फिजिकल एंड नेचुरल बिल्ड एनवायरमेंट। अगला है कंस्ट्रक्टिंग, अभी हमने जो डिजाइन किया हुआ है, जो पेपर वर्क किया है ऑन पेपर और जो सॉफ्टवेयर्स की मदद से जो हमने बनाया है उसको रियल में इंप्लीमेंट करना, जाके एग्जीक्यूट कराना, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिंग। आगे बढ़ते हैं मेंटेनिंग फिजिकल एंड नेचुरल बिल्ड एनवायरमेंट। ये क्या है, अब ध्यान से समझिए इसको। मेंटेनिंग फिजिकल एंड
नेचुरल बिल्ड एनवायरमेंट, पहले से जो बना हुआ है, जो प्रकृति की देन है, जो भगवान की देन है इस पृथ्वी में, जैसा क्लाइमेट है, जैसा सॉइल कंडीशन है, उसको रहने के योग्य बनाना, ये पूरा पूरा काम होता है एक सिविल इंजीनियर का। अगला जो टॉपिक है वो है इंजीनियरिंग फिजिबिलिटी। बेसिकली इसका जो मतलब है, एक एनालिसिस होगा, एक पूरा चैन होगा, प्रोसीजर फॉलो होगा, एक शेड्यूलिंग होगी पूरी, दैट इज कॉल्ड फिजिबिलिटी। चलिए बढ़ते अपने अगले पॉइंट की ओर, वो है सेफ्टी। बेसिकली जो सिविल इंजीनियर का जो काम होता है वो सारी जो डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनिंग, ये सारी चीज तो है, लेकिन इस काम को सही ढंग से करना और सही ढंग से करवाना, मतलब विथ प्रिकॉशंस, विथ सेफ्टी मेजर्स के साथ करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डील होता है एक सिविल इंजीनियर की लाइफ में। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो है कॉस्ट एनालिसिस। जैसे कि आप सब जानते हैं, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल एकदम सच बात है ये। सिविल इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कितने कम से कम पैसे में पूरा प्रोजेक्ट के कंप्लीट करें। तो कॉस्ट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर सिविल इंजीनियर्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की मजबूती हमारे लिए सबसे अहम होगी, क्योंकि सेफ नहीं होगा, सिक्योर नहीं होगी अगर किसी की लाइफ, तो एक सिविल इंजीनियर का कोई महत्व ही नहीं जिंदगी में। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए एक स्ट्रक्चर डिजाइनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एज अ सिविल इंजीनियर। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क ऑन आर्किटेक्ट डिजाइन। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आप सभी को। सिविल इंजीनियर्स डील विथ आर्किटेक्ट डिजाइन। जो एक सिविल इंजीनियर होता है, बेसिकली आर्किटेक्ट के द्वारा जो बनाई गई डिजाइन है उससे डील करते हुए कंस्ट्रक्शन करवाता है, एग्जीक्यूशन करवाता है। ये होता है एक इंपॉर्टेंट काम सिविल इंजीनियर का। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे आर्किटेक्ट्स डील विथ। आर्किटेक्ट बेसिकली डील करता है आर्ट एंड साइंस ऑफ डिजाइनिंग। अगर मैं किसी एक पॉइंट पे फोकस करूं, एक टॉपिक पे फोकस करूं, जो डिजाइन वर्ड अगर मैं बोलूं तो वेटेज आता है आर्किटेक्ट्स का। अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूशन का तो वेटेज आता है एक सिविल इंजीनियर का। ये दो जो पॉइंट है, डिजाइनिंग और एग्जीक्यूशन, इन्हीं से डिफरेंस क्रिएट होता है एक सिविल इंजीनियर का और एक आर्किटेक्ट का। आर्किटेक्ट पूरा पूरा डील करेगा डिजाइनिंग से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के स्ट्रक्चर्स है, बिल्डिंग्स है, वो सारे का प्लान, सेक्शन, एलिवेशन बनाना, ये सारी चीज पूरा पूरा एक आर्किटेक्ट का इंपॉर्टेंट रोल्स होता है। कि उस बिल्डिंग का विजुलाइजेशन देना कि वो कैसा दिखेगा, उसको इमेजिनेशन, उसको नया रूप देना, ये पूरा काम होता है एक आर्किटेक्ट का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एस्थेटिक, मतलब अपीयरेंस। बाहर से देखने से जो मेरा स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है, पूरा पूरा एक्सटीरियर के ऊपर, उसके एलिवेशंस के ऊपर ध्यान रखना, ये पूरा काम है एक आर्किटेक्ट का। नेक्स्ट जो अगले दो पॉइंट है, एस्थेटिक मतलब अपीयरेंस, बाहर से देखने में मेरी जो बिल्डिंग है वो कैसी दिखती है। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक डिजाइन। ये दोनों टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने कवर कर दिए आर्ट एंड साइंस ऑफ डिजाइनिंग में। अगला जो पॉइंट है, नीड स्ट्रक्चर डिजाइन फ्रॉम इंजीनियर। अब इसको आपको समझना जरूरी है, जो एक आर्किटेक्ट का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो बेसिकली डिजाइनिंग से होता है, लेकिन डिजाइन एक पैरामीटर, एक बाउंड्री, एक लिमिटेशंस पे रह के करना पड़ता है, और जो कि बताया जाता है स्ट्रक्चर डिजाइनर के द्वारा। और स्ट्रक्चर डिजाइनर का जो सब्जेक्ट होता है बेसिकली आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन और जितने भी डिजाइन्स के एलिमेंट्स है, वो सारी चीजों से डील करना पड़ता है आर्किटेक्ट को भी। बढ़ते अपने अगले टॉपिक की ओर, अब मैं बात करने वाला हूं व्हाई सिविल इंजीनियर्स इज नीडेड। सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट रिडक्शन। एक सिविल इंजीनियर का महत्व होता है कि वो जितने भी काम हो रहे हैं उसमें एरर ना करे, एरर से बचाते हुए जो एक्चुअल कॉस्ट है, जो एस्टिमेट किया गया है, उसी कॉस्ट में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए एक सिविल इंजीनियर की जरूरत होती है, और ये पूरा होता है कंप्लीट एस्टिमेशन और कॉस्टिंग से। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेटिंग लोड ऑफ स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर डिजाइनर का एज ए सिविल इंजीनियर कितना इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे आप समझ पा रहे कि बिल्डिंग अगर सेफ नहीं होगी तो आगे कोई बात नहीं होगी। इसलिए बिल्डिंग को सेफ करना, सिक्योर करना जरूरी है। इसलिए एक सिविल इंजीनियर का महत्व होता है यहां पे एज अ स्ट्रक्चर डिजाइनर। आगे बढ़ते हैं सुपरविजन ऑफ वर्क। जितना भी काम, जितना भी डिजाइन बताया गया, अब उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना विद इन टाइम लिमिट, ये पूरा काम सुपरवाइज करना होता है सिविल इंजीनियर का। अगला टॉपिक है मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वर्क। सारी टेक्निकल स्किल्स को सीख के, जैसे बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस और ये सारे सुपरविजन के वर्क को सीख के, आप
क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज है जिसमें एरर्स आते हैं उसको कम कर सकते हैं। अब बात करेंगे व्हाई आर्किटेक्ट इज नीडेड। इसमें बेसिकली पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया, एक शॉर्ट मैं समराइज करने जा रहा हूं। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ब्यूटी, जो आपका घर है, जो एलिवेशन है, बाहर से कैसा दिखेगा, अंदर से कैसे डिजाइन होगा, ये सारी चीज को समझाना, ये सारी चीज को डिजाइन करना, प्लान करना, ये पूरा काम होता है एक आर्किटेक्ट का। नेक्स्ट है प्लान विथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड। जो एक वेरी फर्स्ट ड्राइंग होती है वो होती है प्लानिंग। सबसे पहले हम तैयार करते हैं ग्राउंड फ्लोर, तो जो ग्राउंड फ्लोर तैयार करते हैं, जो फर्स्ट फ्लोर प्लानिंग फ्लोर प्लान्स तैयार किया जाता है, वो तैयार किया जाता है नंबर ऑफ फैमिलीज मेंबर्स और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फ्यूचर में क्या उनकी प्लानिंग है उस हिसाब से। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते प्लान करना पड़ता है, प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रखते, ये सारा काम होता है एक आर्किटेक्ट का। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज ऑफ लैंड, कम से कम स्पेस में प्रॉपर रूमिनेस को कवर करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट काम होता है एक आर्किटेक्ट का। अगला है प्लान विथ क्लाइंट्स नीड। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन, जो क्लाइंट्स की नीड है उसको सेटिस्फाई करना, उसको ध्यान में रखते हुए वास्तु के हिसाब से जो प्लानिंग होती है वो करना, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, गवर्नमेंट की बातों को भी ध्यान में रखना यहाँ पे, कि कोई भी फ्यूचर कोलिजन ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं उनके बाउंड्रीज कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज प्लान करना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल होता है एक आर्किटेक्ट का। तो ये था एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन बिटवीन सिविल इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लेके आऊंगा, नॉलेज से भरपूर होगा वो वीडियोस में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।